एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ से मेरा व्लॉग स्टार्ट है। ये जिस दिन विसर्जन होना था गणपति बप्पा का, उसके एक दिन पहले का है। यहाँ पे महाआरती होती है। उस दिन भाई बहुत सारी चीज़ें रखता है भोग में, बहुत सारी चीज़ इन द सेंस, मतलब जस्ट लाइक 56 भोग, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाकर रखता है, बहुत सारी चीज़ें रखता है। और घर में भी कुछ चीज़ें मम्मी बनाती हैं तो वो भी रखती हैं, जैसे पुए वगैरह होती हैं, पूड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, कुछ चीज़ें घर की भी होती हैं, तो वो सब भोग में प्रसाद में लगाया जाता है। एक दिन पहले होता है एंड नेक्स्ट डे होता है विसर्जन। तो विसर्जन के लिए पहले हवन करना होता है एंड देन विसर्जन होता है। विसर्जन उसी दिन होता है जिस दिन अनंत चतुर्दशी होती है, उस दिन विसर्जन होता है। और उसी दिन से आई थिंक कुछ मुहूर्त होता है उसके हिसाब से, पितृपक्ष भी लग रहे होते हैं। देन नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का है, ये हवन हो रहा है और हवन के थोड़ी देर बाद होना है विसर्जन। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं विसर्जन के लिए और यहाँ पर गणपति जी को गोदी में लेकर बैठा हुआ है और ये आगे ये बाकी सब लोग यहाँ पर, ये जैनी आ रही है जा विसर्जन के लिए और हाय राम ऐसे ही आ गई तो मॉर्निंग में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था विसर्जन का मुहूर्त, मतलब सारा दिन कर सकते हो बट एक मुहूर्त में हो जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज कुछ देर बाद लगना था पितृपक्ष, तो पितृपक्ष में आई थिंक विसर्जन नहीं करते हैं, उसके पहले ही करना था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से किया। मॉर्निंग में जल्दी हवन हुआ और फिर पूजा के लिए फिर विसर्जन भी करना था, तो मैं तो जल्दी से ना कर आई हूँ, बस ऐसे ही चलती। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे मैंने फेस पे कुछ भी नहीं किया है, मतलब अपना डेली रूटीन जो होता है वो भी मैंने नहीं किया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं ना कर आई, तुरंत मैंने पूजा स्टार्ट कर दी और पूजा के तुरंत बाद हवन हो ही चुका था, तुरंत बाद होना था विसर्जन के लिए, और आगे मैं ऐसे ही आ गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने फेस भी नहीं देखा कि कैसा है कैसा नहीं, मतलब अपना स्किन केयर भी नहीं किया था, बस ऐसे ही आ गई। कोई नहीं, अब आ गई तो आ गई, अब चलिए चलते हैं। वो तो मैंने जब कैमरा उठाया तब मुझे पता चला, अरे मैंने तो कुछ भी फेस पे अपना स्किन केयर भी नहीं किया, लिपस्टिक तक नहीं मैंने लगाई, लिप ग्लॉस दिखने लगाई, कुछ नहीं लगाई, बस ऐसे ही आ गई। तो कोई नहीं, बस अभी हम लोग आ गए हैं वही घाट जहाँ पर भाई की शादी के बाद, और अभी हम लोग तीजा के टाइम पर भी यहीं पर आए थे गंगा जी, तो यहाँ पर ही आए। बट ये गंगा जी के पास में एक बना दिया जाता है, गंगा जी का ही जल होता है वो, साइड में बना दिया जाता है विसर्जन के लिए, तो वही यहाँ पर भी है। लास्ट ईयर हम लोग गए थे, वो मैंने दिखाया, वो दूसरा घाट है, ये कैंट साइड में पड़ता है, दूसरा है ये। सो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए और इस तरह से विसर्जन होता है तो ठीक रहता है, गंगा जी का ही जल होता है, गंगा जी में ही विसर्जन होता है। एंड गणेश जी की प्रतिमा अगर आप ला रहे हो तो ये ध्यान देकर लाना है कि आपको POP की नहीं लाना है, ओनली मिट्टी की लाना है, और मिट्टी की ही लाए थे इस बार भी। इसीलिए हम लोगों को जब गणेश चतुर्थी वाला व्लॉग है उसमें आप देखिएगा, जब हम लोग लेने गए थे प्रतिमा, बहुत टाइम लगा था लेने में। हम लोग किस टाइम निकले थे, आई थिंक 4 o'clock तो निकले थे, हम लोगों को 7 o'clock हो गया था, तो बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को, तो इतनी देर देखते रहे क्योंकि मिट्टी की भी चाहिए थी और सूंड भी सही चाहिए था, ऑल ओवर सभी चीज़ें सही देखनी थी। और बप्पा वही होता है ना, जिनको हमारे घर आना था वही आए और सभी कुछ अच्छे से हुआ। और व्लॉग मैंने आके शेयर तो नहीं कर पाई हूँ, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, वो मैंने अपने रियल लाइफ से ओनली देखी, क्योंकि जैसे ही विसर्जन हुआ, विसर्जन के बाद कुछ बुलबुले टाइप के होते हैं ना, वो मिट्टी के ही वो साइन होता है कि हाँ मिट्टी की ही प्रतिमा है, तो मिट्टी से बनती है, तो ये होता है कि विसर्जन के बाद में वो मिट्टी में ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। बट अगर POP के लाते हो तो इधर उधर फिर रह जाते हैं। बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पर, क्योंकि ये ऐसा टाइम ही होता है क्योंकि अब इतने दिनों से, 10 दिनों से आप अपने घर पे रखते हो, पूरी सेवा करते हो, देन आफ्टर विसर्जन थोड़ा बहुत इमोशनल लगता है। मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ गया था। अब मैंने थोड़ा सा आगे शेयर किया है, पूरा नहीं शेयर किया है, यहाँ अभी ने एक एक पिक्स ली हैं। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, वैसे मैं ओरिजिनल साउंड के साथ में ही शेयर करना चाहती थी, और भी विसर्जन हो रहे थे वहाँ ढोल के साथ साथ साउंड भी प्ले हो रहा था बार बार, सो कीपिंग ऑल थिंग इन माइंड कि कॉपीराइट ना आ जाए, सो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। मम्मी यहाँ पे डांस कर रही थी क्योंकि ढोल बज रहा था ना, तो अपने आप ही हो जाता है डांस। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मोदी, मंगल मोदी, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे, अरे बाप्पा, अरे मम्मी, देखो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, सभी लोगों का हो जाता है क्योंकि 10 दिन पूरा सेवा अच्छे से करती है मम्मी, जितना भोग प्रसाद जो भी बनता है सुबह मम्मी भोग लगाती हैं और सभी लोग मिलकर सुबह शाम की प्रसाद आरती सब कुछ अच्छे से करते हैं, मोदक वगैरह चढ़ाते हैं।
विसर्जन करता है, देन आफ्टर इनको पकड़ा देते हैं, बिकॉज ये कुछ दक्षिणा लेते हैं और प्रतिमा को साइड में ले जाकर बिल्कुल साइड में रख देते हैं। हो गया है विसर्जन और मिट्टी घर आकर रोने लग गई कि पापा को मिस कर रही है, क्योंकि कि बच्चों का होता है और सभी का होता है। तो अभी यहाँ पे हो चुका है और अभी यहाँ पे इनको थोड़ी दक्षिणा दी जाएगी ये, और इस बार तो जैनी भी आई है साथ में विसर्जन के लिए, क्योंकि अब घर में रुकी नहीं रही थी, वो भी कह रही थी जाना है करके, मतलब बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, गेट जैसे ही बंद कर रहे थे वैसे ही आ रही थी। तो इस बार हम लोग उसको भी लेकर आ गए और मेरा मन भी था कि इस बार लेकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं वहाँ कि डॉगीज आ नहीं सकते और आउट कर रहे हैं। और विसर्जन हो गया था, बस विसर्जन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुके, ये सो नहीं रही है, जग रही है, टंकी दिखा रही है ये देखो है, और यहाँ पे विसर्जन हो रहा है ये देख, आज लास्ट विसर्जन है ना, तो आज जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ जा रहा है। यहाँ पे डेकोरेशन हो रखी है, डेकोरेशन क्या मतलब, आज विश्वकर्मा पूजा है ना, तो उसके लिए, और वैसे भी यहाँ पे थोक का सारा सामान जितना होता है सब मिलता है, तो डेकोरेशन का इसीलिए और मिल रहा है ये, और यहाँ पे हो रहा है विसर्जन। मेरे गणपति हैं गणपति बप्पा मोरिया, हम लोग विसर्जन करके आ गए हैं, ये रही पीछे जैन, मेरे जो गणपति बप्पा थे वो बात क्यों थे, विसर्जन हम लोगों ने कर दिया था, हम लोगों का विसर्जन मुहूर्त के पहले ही हो गया, मतलब जो मुहूर्त था पितर पक्ष लग रहे हैं ना उससे, उसके पहले ही हो गया है, बस यहाँ से चलो लोग। ये देखो ये है यहाँ का ज्वाला देवी विद्या मंदिर स्कूल, कॉलेज है आई स्कूल नहीं है। चलते घर, घर चलते हैं। ये लगा तो लाएरा ठंड वाला मेरा दीद हिलाए, ऐसे हैं कि टूटते बाद में, मतलब ये निकलता है बाद में, इसके पहले ये टूटने के पहले इसी जगह का जो टीथ है वो पहले ही पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है, बड़ा भी हो जाता है काफी, उसके बाद में जो आगे वाला होता है वो टूट जाता है, कि मतलब उसको कभी अपनी विंडो ओपन नहीं दिखाई देती है टीथ की। मम्मा मैं कह रही कि ये ऊपर वाला टीथ टूटा था ना, इसको कितना बड़ा आ गया, ये टीथ टूटा बाद में बट उसके पहले ही निकल आया ये वाला, ये निकल गया था उसके बाद टूटा था वो वाला, इस तरह से होते हैं इसके टीथ।
हम लोग जा ही रहे थे, बीच में ये दिख गया कॉर्न, तो कॉर्न तो मेरा भी फेवरेट है, मिट्टी का भी है, तो हम लोगों ने बीच में ही ले लिया। और कानपुर में ये कौन सा रास्ता है, किस जगह मिलते हैं, ये इतने सारे लाइन लगा कर रखते हैं यहाँ पे, कोई भी सीजन होता है तो सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं। समर में आपको यहाँ पे वाटरमेलन बहुत सारे मिलेंगे और इस टाइम पे कॉर्न वगैरह बहुत मिलते हैं, तो ये लाइन से यहाँ पे बहुत सारी जगह मिलते हैं। तो कानपुर से अगर आप हो, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा ये रास्ता कहाँ की है। सो बस अब जा रहे हैं हम लोग घर, हम लोग और मिट्टी का स्कूल भी है, तो अब घर जाना है, नेक्स्ट डे से मिट्टी को स्कूल भी भेजना है, तो चलिए घर पहुँच कर मिलते हैं आप सभी से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और घर पहुँचने के बाद में बस घर की थोड़ी बहुत सफाई करिए, बिकॉज घर ना पूरा गंदा हो रखा है, पूरा ज़्यादा, इतने दिनों से गए हैं ना, और बारिश वगैरह हो रही है और आंधी वगैरह चलती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रखी है, गर्मी की ज़्यादा हवा चल रही है, तो पूरा अंदर तक जा रहा है पूरा धूल। और सफाई कर दी है, थक गई हूँ, बैठी हूँ, ये है कि पूरा साफ़ सफाई हो गई है, थोड़ा थोड़ा बूंदे गिरने लग गई हैं बाहर, तो कपड़े मैंने यहीं फैला दिए क्योंकि ऊपर तो फैला नहीं सकते। और मिट्टी दिखाती हूँ काम कर रही हूँ, दिखाती हूँ कौन सा काम कर रही है, ये देखिए मिट्टी यहाँ पे कॉर्न पूरा छील कर रख रही है, सारे कूड़े इसके निकाल के इधर फेंक दिए, और ये वाला कॉर्न निकाल रही है, ये देखिए ये लेकर आए ना वहाँ से, और ये कॉर्न काम बहुत आते हैं क्योंकि हम लोग को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और वो रही जैनी, जैनू आ जाओ कम, हाँ तो ये पूरा साफ छील कर रख रही है यहाँ पर, बाहर थोड़ी थोड़ी सी बूंदे गिर रही हैं, हल्की हल्की सी लग रही है, और बंद हो रही है, सुबह से यही मौसम हो रहा है, बट हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इस दोनों छील दिए इसने, अब इसको हम लोग बॉईल करके और पेरी पेरी मसाला डालकर खाएंगे स्वीट कॉर्न। जैनी, जैनी से हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून हो रहा है, मॉर्निंग तो कब का ख़त्म हो गया है ना, बोलो, नहीं बोलना, बैड मैनर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बाहर का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, दिखा देती हूँ एक बार, देखिए देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा वाला मौसम हो रखा है, और सुबह भी आज ऐसे ही मौसम था क्योंकि धूप आज निकली ही नहीं है, आज बस ऐसे ही हवा चल रही है, बंद हो रही है, हवा चल रही है, बूंदे गिर रही हैं हल्की। बस ये छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।